व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एलिक्रेडिक। तो आज हम सुनने वाले हैं हटो बचो बाय यंगस्टर्स इनटू फ्री फायर। भाई फ्री फायर के लिए एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा आई थिंक सो। ये तो ये भाई मैंने फ्री फायर खेला था आज से 2-2.5 साल पहले, जब मेरे को खेलना भी नहीं आता था और फ्री फायर खेला था उस तब तक पबजी मैंने खेला नहीं था, तो फ्री फायर खेला था सबसे पहले और ज़्यादातर लोगों ने फ्री फायर पहले खेला होगा पबजी से। तो ये देखते हैं कैसा होने वाला है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। ये कल रात को आया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो आज करते हैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर हम बार्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अदर टेक्निकलिटीज़ में भी फोकस करते हैं, जैसे कि केडेंस डिलीवरी, मेलोडीज़ वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के जाते हैं। एंड भाई ये फ्री फायर के लिए आया है, मतलब शायद गेम वेम में भी अवेलेबल हो, जैसे पबजी में बीच में एलन वॉकर का आया था ना, तो क्या पता ये भी हो। तो भाई बहुत बड़ी बात है और फ्री फायर काफ़ी पॉपुलर गेम है पता है, पबजी से भी ज़्यादा थोड़ा आई थिंक सो। मतलब वैसे एज इन वैसे नहीं, लेकिन तुमने देखा होगा अगर यूट्यूब इंडिया में यूट्यूब का गेमिंग का सबसे बड़ा चैनल एक फ्री फायर गेमर का ही है शायद, जितना मेरे को पता है। तो इसको देखते हैं यार बिना किसी देरी के, सीधे चलते गाने पे। ये ओके, अभी तक मैंने देखा है तो एक थीम टाइप आई है कि मतलब जैसे यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड, फिर क्रीम, सारे कलर्स, मतलब सारी चीज एक जैसी है। मतलब ग्रीन क्रोमा की वगैरह का यूज करा है या फिर पता नहीं, आई डोंट नो। ये अंजुम जमाना रोके हमें लेकिन लड़के रोके कब थे, नेवर बैक डाउन लगे हैं हसल पे जब से। ओ भाई भाई यूनिस को देखकर डर लगा, जो देखो पीछे कैसे खड़ा है, डर लग रहा है। एंड देखो पूरी थीम वैसी है, रेड कैप, रेड शूज, रेड पूरी आउटफिट, पीछे से बैकग्राउंड भी रेड, मतलब क्रोमा की वगैरह, ग्रीन स्किन वगैरह हो गया आई थिंक सो। भाई बहुत सिक, बहुत सिक। रोके हमें लेकिन लड़के रोके कब थे, नेवर बैक डाउन लगे हैं पीछे जब से, बीन एन अंडरडॉग लेकिन स्क्वाड साथ है, यूनिटी इज एवरीथिंग, जीतते या हारते कॉलेज की कैंटीन। टेलिंग देयर स्टोरी, मतलब ऐसी कोई स्टोरी टाइप बता रहा है विथ मतलब जो गेम्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे स्क्वाड, स्क्वाड या फ्री फायर में भी होती होगी स्क्वाड, जब तुम स्क्वाड बनाते हो चार लोगों की बंदी, तो जीते हम स्क्वाड लेकिन हम साथ नहीं रखते। ओके डॉग लेकिन स्क्वाड साथ है, यूनिटी इज एवरीथिंग, जीते या हारते। ओ नाइस ट्रांजिशन। मैं बैठा था और कैश कम था, जेब थी खाली लेकिन कुछ कर गुजरने का दम था। ओके ऐसा था नौकरी में फाइल्स के अंबार लगे, जितनी मेहनत करूं बॉस को बेकार लगे, पर अब मैं फोकस जैसे रेड साइड स्कोप। अब मैं फोकस जैसे रेड साइड स्कोप। वैसे रेड साइड स्कोप का सबसे कम फोकस होता है, मतलब एज इन स्कोप में, क्योंकि रेड साइड सबसे छोटा स्कोप होता है, 8x या 15x तो पबजी पीसी में है, तो वो सबसे बड़ा होता है। तो राइट साइड स्कोप जैसे अब में फोकस लेकिन कम फोकस होता है, लेकिन वो एज इन फ्री फायर में सबसे बड़ा कितना होता है, शायद 4x होता है, जितना मैंने तब खेला था तब तो 4x था। बताना ये अब में फोकस जैसे राइट साइड स्कोप एंड अपनी स्टोरी बता रहा है, लेकिन फ्री फायर के टर्म्स यूज़ करके अब फ्री फायर इससे आगे आ जाएगा, मतलब अब ये जो लीड कर रहा है स्टोरी और लास्ट में फ्री फायर को लीड करेगी आई थिंक सो। खाली लेकिन कुछ कर गुजरने का दम था, फंसा था नौकरी में फाइल्स के अंबार लगे, जितनी मेहनत करूं बॉस को बेकार लगे, पर अब मैं फोकस जैसे रेड साइड स्कोप, शूट 'em all and boo yeah free fire bro, देखा बोला रोलिंग जी स्टाइल यो किंग ऑफ एवरीथिंग। देखो भाई कितना प्यारा है भाई, सारी चीजें देखो, उसके पूरी आउटफिट, उसके इयररिंग्स तक ग्रीन है, प्लस जो वो सारी फोन वगैरह वगैरह, टिकटॉकर है क्या, क्योंकि ऐसा सेटअप उनका ही होता है ना, जैसे वो लाइट्स, रिंग लाइट्स और बीच में से फोन आ रहा है आई थिंक सो, मेरे को नहीं पता अगर है तो। मेरे भाई लोग स्नाइपर से नापते, दुश्मन मेरे भागते, जीत की उम्मीद लेके डरते नहीं हार से, आए पाकिस्तान से लड़ेंगे हम शान से, शाहीन हूँ मैं सारे इधर जानते, मुझसे भिड़ो नहीं, I'm the grand master, you shoot like a noob, I shoot and duck faster, you shoot like a noob and I shoot and duck faster, okay, वापस game terms, newbie होता है, मतलब जिसको खेलना अच्छे से नहीं आता है उसको noob बोलते हैं, and क्या बोला, grand master बोला क्या बीच में, पाकिस्तान से लड़ेंगे हम शान से, शाहीन हूँ मैं सारे इधर जानते, मुझसे भिड़ो नहीं, I'm the grand master, grand master, एक चेस में ज़्यादातर यूज़ होती है ग्रैंड मास्टर, मतलब एक लेवल होता है कि पहले IMs आते, पहले बहुत छोटे छोटे आते, फिर IMs आते, फिर GMs आते हैं, तो GMs आते हो तो मुझसे भिड़ो नहीं, आई एम द ग्रैंड मास्टर। ओके और ये वैसे एज अ जनरल टर्म भी है, ऐसा नहीं कि खाली चेस में यूज़ होती है, लेकिन आजकल मैं चेस बहुत देख रहा हूँ यार, सब राइडर को देख रहे हो तुम लोग, नहीं देख रहे हो, शाहीन हूँ मैं सारे इधर जानते, मुझसे भिड़ो नहीं, I'm the grand master, yep. Shoot like a noob, I shoot and duck faster, ये पहला राउंड है, you won't last long, representing Pakistan, हमसे हार्ट कौन, हटो बचो, स्क्वाड मेरी हार्ट, catch you off guard, तेरी क्या बिसात, हटो बचो, I ain't a killer but don't push me, मेरे मत है मतो, ए, हटो बचो,
हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बेसात हटो बचो आई थिंक सो मिक्स में बीच में मोनो लेयर में उसकी वॉइस चल रही है वोकल्स चल रहे हैं उसके क्या नाम है अंजुम के और लेफ्ट राइट पैन ओके आई थिंक सो तला यूनिस के वोकल्स आ रहे हैं मैंने मिक्स में ऐसे ही जाने मिक्स किसने कराया वो और बीट किसने प्रोड्यूस किया ये देखा ही नहीं मैं भूल गया जल्दीबाजी में ओके 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 म्यूजिक एंड मिक्स मास्टर वंस अगेन द फेवरेट द ओजी जोके भाई जोके होता है तो तुम्हें को मतलब कोई उसकी मतलब कोई लेट डाउन करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जोके ऑलवेज कम्स अप विद अ सेट बार मेरे खिलर बट डोंट पुश मी मेरे मथे मत ओ ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बेसात हटो बचो आई एंड किल बट डोंट पुश मी मेरे मथे मत ओ ए पियानोस ओके आई लाइक इट ये मैं देख रहा हूँ वीडियो में सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं कोई ऑफिस में लगा है कोई टिकटॉक बना रहा है शायद ये तो कुछ भी जो भी कर रहा है बीच बीच में ये आ रहे हैं अर्ड है मतलब खुजली कर रहे हैं पोक कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यूनिस एंड अंजुम ये देखो ट्रांजिशन अच्छा है मुकाबला सख्त है स्क्वाड अप एंड कॉनकर नहीं रुकता वक्त ये स्क्वाड अपनी कॉनकर ओके मुकाबला सख्त है स्क्वाड अप एंड कॉनकर नहीं रुकता वक्त ये मारो ग्रेनेड लॉन्चर्स ओके देखा ऑल एक्ट स्मार्ट डक एंड डॉज ये लड़के किल एंड देन एंड एक्ट स्मार्ट प्लस यू आर आल्सो एक्टिंग स्मार्ट इन दिस सॉन्ग कि अपनी रैप की चीज भी मतलब जो तुम रेफरेंस मतलब कुछ कि लिरिक्स भी बहुत ज्यादा क्रिंजी या बेकार नहीं लिख दी प्लस यू आर मतलब जो फ्री फायर को चाहिए वो भी काम कर दिया प्रमोशनल सॉन्ग भी बना दिया दिस इज प्लेइंग स्मार्ट ब्रो रुकता वक्त ये मारो ग्रेनेड लॉन्चर्स ओके खेले मॉल एक्ट स्मार्ट डक एंड डॉज ये लड़के अपने चार बचने वाले आखिरी राउंड तक फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज लुक अराउंड ब्रो आंखें जैसे दूरबीन फोकस सारा साउंड पर रहते अंडरग्राउंड यू कैन नेवर ब्रिंग अस डाउन ये द लुकिंग फॉर द वेपन underground you can never bring us down boy underground rehte hain hum to you can never bring us down bro okay and shayad jab jaise PUBG mein chicken dinner hota hai shayad usme kya hota tha yaar free fire mein boya hota tha na in focus sara sound par rehte underground you can never bring us down yeah they're looking for the weapons we're looking for the crown bro zaruri hai to jaane isse bhag nahi ladka apna counter pin counter dimag pe कंटेंट बनाते हम समझते नहीं वो जांचते चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी ओके वीडियो इज डिपिक्टिंग की सब लोग मतलब एक 9 to 5 टाइप जेल से परेशान है लेकिन एक दूसरी लड़की तो टिकटॉक बना दी मतलब समाज या फिर ट्रस्टेड है वो दिखाना चाह रहे हैं आई थिंक सो लेकिन दो लोग तो साफ दिख रहा है कि दे आर जॉब कर रहे हैं और एक तो टिकटॉक बना रही है उसका मेरे को समझ में नहीं आया लड़का अपना काउंटर पे काउंटर दिमाग पे कंटेंट बनाते हम समझते नहीं वो जांचते चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी हम नए जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते और ताकते वो मरते हाथों हाथ भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग हटो बचो लगी आग भाई इसे को थामते हम दुश्मन लास्ट मैन स्टैंडिंग हटो बचो लगी आग भाई हाथों हाथ भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग हटो बचो लगी आग भाई गिरते को थामते हम दुश्मनों को जानते रस्तों में कांटे अपनों से भी जानते इस मिट्टी को पहचान ले मैं मरने आया शान से हम पाकिस्तान से बंदूकें रखे दान के हटो बचो बहुत प्यारे ट्रांजिशंस है वीडियो बहुत प्यारी करी है भाई जिसने भी करी है बहुत प्यारी और ये तोड़ दिया सारी चीज़ें तुम मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो या फिर जो तुम्हें मजा नहीं आता जो चीज़ करने से उससे बाहर निकलो ब्रो फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलो थोड़ा एंजॉय भी करो भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग हटो बचो लगी आग भाई गिरते को थामते हम दुश्मनों को जानते रस्तों में कांटे अपनों से भी अनजानते इस मिट्टी को पहचान ले मैं मरने आया शान से हम पाकिस्तान से बंदूकें रखे दान के हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात हटो बचो आई एंड किलर बट डोंट पुश मी मेरे मथे मत ओ ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात हटो बचो आई एंड किलर बट डोंट पुश मी मेरे मथे मत ओ ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच ओके ये शायद जैसे ये मतलब बहुत प्रो गेमर्स होंगे फ्री फायर के आई थिंक सो जैसे स्काउट मॉडल वगैरह है इसमें वैसे ही ये लोग होंगे मेरे मथे मत ओ ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बेसात हटो बचो आई एंड किल बट डोंट पुश मी ये शायद वीडियो में भी थी ना ये लोग इनमें से कोई ना कोई ऑफ गार्ड तेरी क्या बेसात हटो बचो ये थी ये तो थी ये शायद टिकटॉकर थी ना ये
टिकटॉक बना रही थी, टिक जो भी बना रही थी, जो कंटेंट बना रही थी, टिकटॉक भी नहीं तो या इंस्टाग्राम के लिए जिसके लिए भी कोई वीडियो बना रही थी। तो बच्चो आई रखिल बट डोंट पुश मी मेरे मथे मत हो भाई। बीट तो सीख ही है भाई, जोक है तो तुम्हें खुद ही, जोक है तो बीट सीख, बस बोल दो सीधे सामने भाई जोक है तो। ए दिस इज ए 20/11 सपोर्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग इन फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज। ओके कोई टूर्नामेंट वगैरह होगा या सीरीज वगैरह। बोया बोया से वो माइक याद आता है जो कॉलर माइक होता है ना। प्लेन्स एंड फाइनल्स ओके ऑन यूट्यूब करीना फ्री फायर। ओके भाई 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 दिस इज कॉल्ड प्लेइंग स्मार्ट कि अपना अपना जो लेवल है अपना जो कि हमने कोई क्रिंज या कोई बेकार लिरिक्स वगैरह कुछ नहीं दिए। प्लस फ्री फायर का भी काम हो गया, कोई ऐसा नहीं था कि तुम्हें समझ में ही ना आए। बीट भी बहुत प्यारी थी, बीट भी ग्रूवी टाइप बीट थी, झोंके का काम अच्छा ही होता है हमेशा। और प्लस वीडियो वॉज गुड भाई, वीडियो मेरे को बहुत पसंद आई। जो बीच में जो ट्रांजिशंस थे, जैसे पहला ट्रांजिशन जो था वो अंजुम का था जो टोपी निकालता है और फिर ऐसे करता है, और फिर जो लास्ट शायद ट्रांजिशन था वो था उसका क्या था वो जो पसंद आया था वो यूनिस का, यूनिस ने जब हम पाकिस्तान ऐसे करके कुछ करा था वही, वो बहुत प्यारा था। वीडियो की थीम्स बहुत प्यारी थी कि जो कलर्स दिखाए थे अब वो कलर्स से कुछ और रिलेट करना चाहते हैं, मेरे को नहीं पता, वो जो ग्रीन रेड क्रीम टाइप ऐसे येलो टाइप कलर्स दिखाए थे। एंड इट वॉज अ गुड सॉन्ग भाई, प्रमोशनल सॉन्ग होके भी ऐसा गाना दे दिया है, दिस इज प्लेइंग स्मार्ट। और सभी बोलेंगे भाई क्योंकि सभी ने करा, इसने करा है ब्रो। और ये था रिएक्शन, ये ऑनेस्ट रिएक्शन था। तो पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया डिसलाइक कर दो, और कमेंट्स बता दो कि और कौन से गाने पे रिएक्शन चाहिए, कौन सी ईपी, कौन सी एल्बम, कमेंट कर दो यार अभी के अभी। और यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।